हेलो गाइस, वेलकम बैक. सो वी आर ऑन आर डे 4. सो वी आर डिस्कसिंग टास्क 2 और एंड इन दिस लेक्चर वी वुड बी कवरिंग कोहेरेंस, विच इज़ अगेन टाइप बेस्ड. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टाइप 1 इन आर प्रीवियस लेक्चर. सो नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग कोहेरेंस ऑफ टास्क टाइप 2 एंड टाइप 3, एंड इन द एंड वी वुड बी हैविंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड. So yes, we are on our lecture 4 and we are discussing parameters. We have already discussed task response. So if you want to check my previous videos, go to the playlist and you would find the online free classes playlist for writing, and you will find my videos there. So today we are discussing cohesion and coherence, and we are discussing only coherence today for specific types. So cohesion is basically how well your ideas are connected, and coherence is basically the logical sequence. Okay, so logical sequence has 4 steps and it is same for all the types. Okay, so now why we are discussing coherence for different types? Because the inner thing, like the inner content, is different for all the types, which we would learn from an example. So coherence basically सबके लिए same ही होता है. हम पहले introduction लिखते हैं, body paragraph 1-2 and then conclusion लिखते हैं. ये हर type के लिए same है, but फिर हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो अंदर का कंटेंट है, लिखने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है. ठीक है, सो ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन. कंप्यूटर्स आर बीइंग असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन. डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड गिव योर ओपिनियन. यू हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑल्सो एंड यू हैव टू डिस्कस बोथ, राइट? सो इसमें हम क्या करते हैं, तो इंट्रोडक्शन है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. ओके, सो इन इंट्रोडक्शन वी पैराफ्रेज द क्वेश्चन. ओके, रीफ्रेज या पैराफ्रेज, यू कैन डू से एनीथिंग. देन वी गिव द थीसिस. ओके, हम इसमें अपना ओपिनियन नहीं देते हैं. अगेन, बैकग्राउंड लाइन के लिए मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बोलती हूँ, मैं यहाँ पे भी बोलूंगी दैट वी आर राइटिंग प्रोफेशनली. सो इफ यू वांट टू ऐड द बैकग्राउंड लाइन, सो वो इस हिसाब से लिखना कि वो प्रोफेशनल लगे. ओके, सो लेट्स सी. सो अगर हमें इस चीज को पैराफ्रेज करना है, सो हम कैसे करेंगे, इसमें हम पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे, मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे? दीदी, फिर आपने तो इंट्रोडक्शन सारी उड़ा दी, सिर्फ दो ही चीज़ें रहेगी, पैराफ्रेजिंग और थीसिस. सो हाउ वी वुड डू इट? एक ही तो लाइन है, कंप्यूटर्स आर बीइंग एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन. हाउ वी वुड पैराफ्रेज एंड राइट द थीसिस? सो अगेन, यू कैन राइट एनी थिंग. यू कैन से इट लाइक, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा, मैनकाइंड इज सराउंडेड बाय technological gadgets out of which computers are the essential, as it is having an significant role in education also. This essay will show that this is a welcome development and can enhance educational practice. It will first suggest the primary advantages, followed by the discussion of how it can sometimes lead to the disadvantages or adverse सिटुएशन. ओके, सो ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, व्हाट आई डिड इज फर्स्ट आई जस्ट पैराफ्रेज्ड इट एंड देन गिव द थीसिस. मैंने बैकग्राउंड लाइन जोड़ी है, बट आई हैव गिवन अ वेरी प्रोफेशनल लाइन. मैंने ये नहीं लिखा कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट इन एवरी नुक एंड क्रैनी, कंप्यूटर्स आर द एसेंशियल पार्ट, टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट इन एवरी नुक एंड क्रैनी. एग्जाम्पल दिए, उससे आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2. ओके, सो पिछले में हमने क्या हो किया था, बॉडी पैराग्राफ 1-2 का सी रोल वही है. यू हैव टू गिव योर आइडिया, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट, एंड देन यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल. ओके, देन द क्लोजिंग लाइन. बट बॉडी पैराग्राफ 1 से आप एडवांटेजेस पे लिख रहे हो, सो हम एडवांटेजेस दे देते हैं. ठीक है, सो बॉडी पैराग्राफ 1 की एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं.
So I'll start it like this. The main benefit computer bring to learner is easy access to vast amount of resources. Okay, so I have given you a idea. ठीक है. सो मेरा मेन आइडिया क्या है कि लर्नर्स को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं. ओके, सो द मेन बेनिफिट कंप्यूटर ब्रिंग्स टू लर्नर इज इजी एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. सो माय आइडिया इज इजी एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. ओके, so learn now I'll explain it. ठीक है. Learners were once limited to the books they had and the knowledge of their teacher. Now they can learn anything they choose at the touch of a button. Google is a prime example because it allows people to easy search for whatever they are looking for quickly and accurately. So मैंने कैसे explain किया? What I did is I explained it that पास्ट में लोग जो बच्चे थे वो सिर्फ बुक्स या अपने टीचर्स पे की नॉलेज पे रहते थे. ठीक है, जो कि अब ऐसा नहीं है. नाउ दे कैन गेट एनीथिंग बाय अ टच ऑफ अ बटन. ओके, एंड एग्जांपल आई हैव गिवन. ठीक है, कि गूगल पे कुछ भी मिल जाता है. ओके okay, so guys, this was our body paragraph 1. So we talked about the positives. Okay, so now I will talk about the negative. Okay, so body paragraph 1 mein maine positive ki baat ki hai, body paragraph 2 mein main negative ki baat karungi. Okay, so for my main idea for negative thing is, first is plagiarism. Theek hai, that means hum kaam copy kar lete hain जिससे हमारी खुद की जो लर्निंग है वो बहुत कम होती है. ठीक है, सो व्हाट आई वुड से इज, ऑन द अदर हैंड, वन पॉसिबल ड्रॉबैक व्हिच आई कैन थिंक ऑफ इज प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म मींस कॉपिंग समवन्स एल्स वर्क. ओके, प्लेजरिज्म एज समटाइम्स टू कंप्लीट द एकेडमिक वर्क पीपल्स कॉपी आर्टिकल फ्रॉम द इंटरनेट which paves the way to less learning as they need not to think more to complete their tasks. To illustrate, the Tribune recently reported that 72% of the university graduates admitted to copy and paste articles from internet or from Wikipedia at least once. Thus, it has certain negative impacts also. ओके, सो ये था मेरा बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में. मैंने पॉजिटिव्स बता दिए, 2 में मैंने नेगेटिव्स बता दिए. अब मैं कंक्लूजन लिखूंगी. ऑब्वियसली आई हैव मेड माय बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 बिट स्मॉल बिकॉज आई वांट टू राइट मोर वर्ड्स इन कंक्लूजन एज आई वांट टू गिव माय ओपिनियन हेयर. ओके, सो कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, हम हमेशा समरी लिखते हैं. कंक्लूजन इज बेसिकली द समरी. ओके, सो क्या करते हैं हम, हमने जो लिखा होता है हम उसे वही पैराफ्रेज करते हैं प्लस अपना ओपिनियन रीस्टेट करते हैं. राइट, तो अगर मुझे ये लिखना होता तो आई वुड राइट इट इन अ वे. इन अ नटशेल आई हैव रिटन डाउन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंप्यूटर्स इन अ स्टूडेंट लाइफ. The web has provided a gateway to knowledge unlike anything seen before, and although it can sometimes lead to a few taking the easy route and copying others' work, yet it is a very positive step in the evolution of education as
most of the students will take advantage of this of it to enhance their studies rather than using it to cheat. Okay, so what I did is I paraphrased what I written and then I restated my opinion. So that's it. So type 2 or type 3 में सबसे बड़ा change क्या है and major differences here, आपका एक body paragraph positive का बनेगा, एक negative का बनेगा और आप अपना जो opinion है वो आप conclusion में दोगे. Okay, so that's it. This is the coherence for type 2 and type 3. Now the question answers round. So first of all guys, please like, share and subscribe for daily classes, and if you want one-to-one classes please contact me personally. And the one question which you guys have keep on asking me, so that question is it completely free? Guys, obviously the video tutorial is free, but if you want one-to-one classes, like you want all the PDFs for other things, like I am going to share the PDF of connectors and vocabulary and everything, then you have to pay a very nominal charges, because in that charges you will not only get the PDF, but I will check your task, writing task, and will evaluate that, and then I will also take your one-to-one speaking. So obviously if you want all those facilities, you have to pay me 1500 rupees for both speaking and writing, and 1000 for only writing. Okay, so that's it. So these are my contact details. If you want to contact me, you can find me at any of these channels. You can comment on my YouTube, which is IELTS Guru. You can find me on WhatsApp. This is my WhatsApp number, my Gmail ID and my Instagram. So I hope you like my content. If you are liking it, please share it with your friends also, and tell them to like, share and subscribe. So thank you so much. Stay connected. Stay tuned. Bye-bye. Take care.